उमंग एक ऐसा सरकारी एप्लीकेशन है जिसमें 1000 से भी ज़्यादा सर्विसेज अवेलेबल है। इसमें आप पासपोर्ट बनवा सकते हैं, पैन कार्ड को रिन्यूअल करवा सकते हैं, पैन कार्ड नया बनवा सकते हैं, डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। इसमें आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है। सुराज, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। तो ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जो हर आदमी के मोबाइल में ये एप्लीकेशन होना चाहिए। तो मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप और कम्प्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप उमंग एप्लीकेशन का यूज करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्ले स्टोर से आपको उमंग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। डाउनलोड होने के बाद इसको ओपन करेंगे। ओपन होते ही आपके सामने में कुछ इस तरीके से आपको यूजर इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी, इसके बाद आसामिक है, बंगाली है, गुजराती है, कनाडा है। तो इसमें आपको ढेर सारा लैंग्वेज मिल जाता है। उर्दू है, उड़ीसा है, मराठी है। तो आप जो भी लैंग्वेज में इसको रीड करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं, इसके बाद यहाँ आई एग्री पे क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ रजिस्टर वाला ऑप्शन है, रजिस्टर वाले पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद टर्म को एग्री करेंगे और इसके बाद रजिस्टर वाले पर ओके करेंगे। आपके मोबाइल पर 6 डिजिट का कोड भेजेगा, वो कोड को यहाँ पर आपको डाल देना है। जैसे देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है, तो जो भी आप नंबर दिए रहेगा उस पर आपको 6 डिजिट का कोड आएगा, वो कोड आपको यहाँ पे डाल देना है। OTP डालने के बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करते ही यहाँ पर देखिए कि आप जो उमंग एप्लीकेशन में यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं। देख रहे हैं कि आपका डिजी लॉकर का ऑप्शन है, तो यहाँ क्लिक टू लॉगिन पर क्लिक करके यहाँ पे आप साइन इन हो सकते हैं डिजी लॉकर में, या यहाँ से आप अपना डिजी लॉकर में अकाउंट बना सकते हैं। अलग से आपको डिजी लॉकर एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, यहाँ कैटेगरी वाइज भी ऑप्शन दे रखा है जहाँ से आप इसको चूज कर सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि टूरिस्ट का है, ट्रांसपोर्ट है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे और यहाँ पे आपको और सारा ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। इसके बाद ऑल सर्विस को क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ऑल सर्विस मिल जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका आधार का, इसी तरीके से अटल पेंशन योजना है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पे आपको अटल पेंशन योजना का जो भी डिटेल है वो सारा का सारा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ देखिए कि यहाँ करंट होल्डिंग है, यहाँ करंट होल्डिंग देख सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट देख सकते हैं। इसके बाद अकाउंट डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं डाउनलोड ई पेन, यहाँ पर जो डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर कंज्यूमर से शिकायत कोई भी है तो रजिस्टर ग्रीवेंस पर क्लिक करके यहाँ से आप कोई भी कंप्लेंट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते यहाँ पर देखिए आप PRN नंबर डालेंगे और ये OTP आएगा। OTP डाल के यहाँ सबमिट कर देना है, तो आपको यहाँ पे ये यहाँ से शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो भी आप कंप्लेन करेंगे उसका व्यू देखने के लिए इस पर क्लिक करेंगे। व्यू स्टेटस पर क्लिक करके यहाँ पे PRN नंबर डाल के यहाँ आपके मोबाइल पर OTP आएगा। OTP डाल के सबमिट करेंगे तो यहाँ से स्टेटस भी देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर और भी आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है। देखिए स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको हज़ारों सर्विस यहाँ पर अवेलेबल मिल जाता है जो आपको अलग से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देख रहे हैं दिल्ली पुलिस है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते यहाँ पर देखिए अगर आपका मोबाइल मिसिंग है तो इस पर क्लिक करके आप मोबाइल से संबंधित कंप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर कोई पर्सन मिसिंग है तो उससे संबंधित यहाँ पर अपना कंप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए अगर आपको व्हीकल चोरी हो गया है तो यहाँ से आप इसको कंप्लेन कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करते यहाँ पर आपको जो है ये फॉर्म ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर अपना पूरा डिटेल फिलअप करके इसके बाद यहाँ पर सबमिट कर देना है। यहाँ पर सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करते ही जो है ये जो रिकॉर्ड पुलिस के पास चल जाएगा और वहाँ पे आपका FIR हो जाएगा। यहाँ से डिजी लॉकर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से देखिए आपको अलग से डिजी लॉकर एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से साइन इन कर लेंगे अगर आप पहले से अकाउंट बना रखे हैं तो, यहाँ से साइन इन कर लेंगे। अगर नया अकाउंट बनाना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप यहाँ पर साइनअप करके यहाँ से अपना अकाउंट बना सकते हैं। डिजी लॉकर एप्लीकेशन को अलग से डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कितना सारा ऑप्शन है जो यहाँ से आप इसको यूज कर सकते। यहाँ से आप भारत बिल पे पे क्लिक करके यहाँ पे ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है जहाँ से आप बिल पे कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ से बिल पे कर सकते हैं।
अगर आपको कोई कंप्लेन करना है तो यहाँ पर रजिस्टर कंप्लेन पर क्लिक करके कंप्लेन कर सकते हैं, या कंप्लेन को अगर आपको चेक करना है स्टेटस तो यहाँ पर कंप्लेन का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो पे बिल पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते यहाँ पर आपको देखिए ढेर सारा ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर देखिए DTH रिचार्ज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस, लैंडलाइन फोन, मोबाइल प्रीपेड, या वाटर का बिल, लाइफ इंश्योरेंस, गैस, LPG गैस। इसके बाद यहाँ पर देखिए म्यूनसिपल टैक्स, इसका तो फास्टैग भी यहाँ से रिचार्ज कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर देख रहे हैं। तो आप यहाँ देखिए क्रेडिट कार्ड का भी ऑप्शन है, फास्टैग रिचार्ज करना है तो इस पर क्लिक कीजिएगा, और क्लिक करके यहाँ पर आपको ऑप्शन ओपन होकर आ जाता है। यहाँ से आप फास्टैग हर बैंक का दिया हुआ है, जिस भी बैंक से आप फास्टैग रिचार्ज करना चाहते हैं उस बैंक से आप फास्टैग रिचार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे और भी ढेर सारा ऑप्शन आपको मिल जाता है। इसके अलावा बैंक आएंगे, बैंक आने के बाद और भी आपको यहाँ पे ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपको आयुष्मान भारत का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आयुष्मान भारत भी अपना चेक कर सकते हैं कि आपका आयुष्मान भारत में नाम है या। तो भारत गैस पे क्लिक करके यहाँ भारत गैस के लिए भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए रजिस्टर ऑफ न्यू LPG कनेक्शन, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो भारत गैस के लिए न्यू कनेक्शन के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से आपका ये फॉर्म ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर स्टेट डालेंगे डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ से सर्च करके इस फॉर्म को आप फिलअप करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे बैंक आएंगे और यहाँ पे आपको ढेर सारा और भी ऑप्शन है यहाँ पे आपको मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आधार कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ आधार कार्ड के लिए भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते। इसके बाद यहाँ पे AICTC पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते यहाँ पे जो है एजुकेशन से संबंधित सारा यहाँ पे ऑप्शन ओपन होकर आ जाता है। स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ अप्लाई फॉर DBT के लिए कर सकते हैं। इसका स्टेटस भी आप यहीं से देख सकते हैं, यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी पे यहाँ पे क्लिक करके इसका एलिजिबिलिटी भी देख सकते हैं। यहाँ अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप के लिए यहाँ से कर सकते हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे, ये फॉर्म आपको यहाँ पे ओपन होकर आ चुका है। चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करके आप यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको ढेर सारा ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ से नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे और भी आपको ढेर सारा ऑप्शन नीचे देखने को यहाँ पे आपको मिल जाता है। देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना है, यहाँ पे प्रधानमंत्री जनधन, यहाँ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, यहाँ पे बहुत सारा आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको ढेर सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इस तरीके से इसमें बहुत सारा स्कीम दे रखा है, जो इसमें हज़ारों इसमें आपका जो है इसमें हज़ारों एप्लीकेशन ऐसा है जिसको आप बहुत ही आसानी से यहां से एक ही एप्लीकेशन में से उस सब को यूज कर सकते हैं। यहां पे ऑल पर जाके यहां पर आपको ढेर सारा एप्लीकेशन यहां पर मिल जाता है, जहां से आप बहुत ही ईजिली यहाँ से आप सब काम कर सकते हैं। अब इसमें आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है, अगर आपको इसमें नहीं मिल रहा है अब जल्दी में चाहते हैं कि आ जाए तो यहाँ पे आप इसको ऑप्शन में यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है सर्च का, यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ पेन, देखिए यहाँ मैं पेन डाला, यहाँ पे माय पेन आ चुका है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको पेन से रिलेटेड जितने हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएगा। सो इस तरीके से यहाँ पे आप सर्च करके भी यहाँ पे लिस्ट में खोज सकते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पे न्यू पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं 49A, मतलब जो अगर आपके आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो उसके लिए यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो भी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि फॉर्म जो है 49A, यहाँ से आप जो है फॉर्म को फिलअप कीजिएगा, और फॉर्म को फिलअप करके जितने अटैच डॉक्यूमेंट है वो लगा के पैन कार्ड का जो भी सेंटर है जहाँ वहाँ जाके आपको ये फॉर्म को सबमिट कर दें तो आपका पैन कार्ड बहुत ही जल्दी बन जाएगा। यहाँ से देख रहे हैं करेक्शन, और यहाँ पे चेंज भी करा सकते हैं पैन कार्ड, यहाँ पे देख रहे हैं आपको अदर सर्विस भी मिल जाता है, और यहाँ पे लोकल नियरेस्ट सेंटर भी आपको यहाँ पे मिल जाता है कि आपके जो अगल बगल में सेंटर कहाँ है पैन कार्ड का, वो आप यहाँ से देख रहे हैं कि लोकेट नियरेस्ट सेंटर, यहाँ क्लिक करके अपना सेंटर जो आपके आस पास में कहाँ है वो भी आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। सो यहाँ से आप न्यू पैन कार्ड पर क्लिक करके नया पैन कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप इसमें जो भी टाइपिंग कीजिएगा ये सर्विस, इसमें इतना सारा सर्विस जो आपके सामने जो भी यहाँ पर टाइपिंग कीजिएगा वो आपके सामने में आ जाता है अगर आपको इसमें नहीं मिलता है तो अगर आप चाहते हैं कि जल्दी आ जाए तो आप बहुत ही ईजिली यहाँ से आप टाइपिंग कर सकते हैं। सो गाइस इस तरीके से आप यहाँ पे इसमें से कोई भी एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं, इसमें यहाँ से फॉर्म वगैरह भर सकते हैं। जैसे अगर आप नेशनल स्कॉलरशिप के लिए यहाँ पे कुछ करना है फॉर्म वगैरह को तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का ऑप्शन यहाँ पे ओपन होकर आपके सामने में आ जाता है। और यहाँ पर देखिए कि जैसे ही इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने में कुछ इस तरीके से देखिए फ्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यहाँ स्कीम इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए, यहाँ पे अप्लाई फॉर रिन्यूअल अगर आप किए हुए तो उसका रिन्यूअल भी करा सकते हैं। यहाँ पे आपको ढेर सारा ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे ट्रैक भी कर सकते हैं और यहाँ पे इसका जो है एलिजिबिलिटी उसको चेक भी कर सकते हैं। सो गाइस इसमें आपको ढेर सारा आपको जो है एप्लीकेशन यहाँ पे मिल जाता है, हर आदमी के मोबाइल में ये जो उमंग एप्लीकेशन है वो
होना ही चाहिए। ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेटर ये एप्लीकेशन है, जो एक ही एप्लीकेशन में यहाँ पे आपको हज़ारों एप्लीकेशन उसके अंदर में मिल जाता है, जिसको आप बहुत ही ईजिली आप यहाँ से इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए पासपोर्ट सेवा भी है, इस पर क्लिक करके यहाँ से आप अपनी पासपोर्ट के लिए यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ देखिए यहाँ से आप लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं कि आपके अगल बगल में कहाँ है, यहाँ पे देख रहे हैं इसका कैलकुलेट भी कर सकते हैं। यहाँ अपने पासपोर्ट का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि चेक अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी, मतलब अपॉइंटमेंट देख सकते हैं कि जो पासपोर्ट ऑफिस है उसमें अपॉइंटमेंट है या नहीं। यहाँ पे आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है, जिससे आप बहुत ही यूजली इसको यूज कर सकते हो। गाइस ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है उमंग। इसमें आपको हज़ारों ऐसे एप्लीकेशन मिल जाते हैं जिसको आपको अलग से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से आप सब कुछ यहीं से आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ढेर सारा ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है। सो गाइस आज के वीडियो में आपने जाना कि किस तरीके से हम उमंग एप्लीकेशन का यूज करते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में जाके कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।